स्कूली बच्चे की पिटाई के मामले में सुप्रीम कोर्ट ने यूपी सरकार को फटकार लगाते हुए नाराजगी व्यक्त की है। दरअसल पिटाई में शामिल छात्र और घटना के चश्मदीद बच्चों की अभी तक काउंसलिंग नहीं हुई है, जिसके चलते सुप्रीम कोर्ट ने यूपी सरकार को कड़ी फटकार लगाई। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि पहले ही बहुत देर हो चुकी है, इस मामले में राज्य सरकार ने अभी तक कुछ नहीं किया, ये हमारे निर्देशों का सीधे सीधे उल्लंघन है। कोर्ट ने यूपी सरकार से कहा कि वो जल्द से जल्द बच्चों की काउंसलिंग कराए, साथ ही दो हफ्ते में हलफनामा दायर करे। जी उसी स्कूल में पढ़ता है। क्या मामला था वो, क्या हुआ था? मामला ये था, वो मैडम उससे दूसरे बच्चे से चाटे लगवा रही थी, उसने अपना होमवर्क करके नहीं आया था, बारी 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 बच्चों से चाटे लगवा रही थी। सोशल मीडिया पर काफी वायरल, सुप्रीम कोर्ट के द्वारा भी इस मामले का संज्ञान लिया गया। जी आपका बच्चा भी उस समय स्कूल में था? जी स्कूल में था। तो क्या आपके बच्चे की काउंसलिंग हुई है? नहीं अभी तक नहीं सर। काउंसलिंग नहीं आपका? नहीं नहीं। जिस समय घटना हुई थी आपका बच्चा भी स्कूल में था? जी स्कूल। क्या नाम था आपके बच्चे का? फरहान। कौन सी क्लास में पढ़ता? तीसरी क्लास में पढ़ता है। जब ये घटना हुई आपका बच्चा भी स्कूल? जी स्कूल में था। काउंसलिंग नहीं हुई? नहीं जी अभी तक नहीं। कोई अधिकारी आपसे? कोई अधिकारी नहीं आया अब तक। किससे बात हुई? नहीं किसी से नहीं हुई अब तक। कोई नहीं आया? जी। हर न्यूज अपडेट के लिए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए हुए लिंक से ज्वाइन करें रॉयल बुलेटिन का व्हाट्सएप ग्रुप और पाएं हर खबर सबसे पहले अपने व्हाट्सएप पर। अपने आसपास की खबरों के लिए सब्सक्राइब करें रॉयल बुलेटिन और इस वीडियो पर कमेंट के जरिए अपनी राय देना ना भूलें।